फ्रेंड ये देख सकते हो आप लोग, पहले कभी आपने देखा है, नहीं देखा है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। फ्रेंड आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रेशर वाल्व जो हमारा सर्विस वाल्व होता है, एसी में जो हमारा गैस चेक करते हैं, गैस पम्प डाउन करते हैं और गैस टॉप अप करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये तो अजूबा हो गया है फ्रेंड। यहाँ पे प्रेशर वाल्व ही गायब हो गया, यानी जो हमारा सर्विस वाल्व है वो गायब हो गया है। नहीं तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, जो हमारा सर्विस वाल्व होता है, ये 3.5 टन का मशीन है, यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो डिस्चार्ज में भी और सेक्शन में भी हमारा सर्विस वाल्व है, लेकिन वहाँ पर सर्विस वाल्व नहीं है। तो इसका क्या उद्देश्य है और ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, वो इस बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो का हमारे। तो फ्रेंड ये देख सकते हो, अभी हम इसकी बात करते हैं सर्विस वाल्व पे। फ्रेंड ये देख सकते हो, किसी ने ये सर्विस वाल्व को ही रिमूव कर दिया है और डायरेक्ट इसमें पाइप को ब्रिजिंग कर दिया है। तो इससे बेनिफिट क्या है और ये फ्यूचर में क्या काम आएगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, एक क्वार्टर का सर्विस वाल्व लगा दिया है इसमें, डिस्चार्ज में और सेक्शन में, जो हमारा पतली पाइप है और मोटी पाइप है, आपको ही पता ही होगा डिस्चार्ज और सेक्शन। तो यहाँ पे इसमें इसने सर्विस वाल्व लगाने का मतलब होता है फ्रेंड, सर्विस वाल्व को निकाल के फेंक दिया है और अपना जो क्वार्टर का है 3/8 का, जो 3/8 का पाइप में और 7/8 के पाइप में इसने सर्विस वाल्व लगा दिया है क्वार्टर का। यहाँ पर देख सकते हो पिन लगा हुआ है, आपको सर्विस वाल्व पता ही होगा। तो ये सर्विस वाल्व से क्या होता है, सिर्फ हम गैस चेक कर सकते हैं और गैस डाल सकते हैं, बाकी और सिस्टम में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कल को हमको कंप्रेसर चेंज करना है या पम्प डाउन करना है या मशीन को निकाल के रिमूव करना है, तो हमें इसको गैस उड़ाना ही पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। मैं साइड पर गया था, कंप्लेन था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक सर्विस वाल्व लगा हुआ है। सिर्फ ये जो सर्विस वाल्व लगा है सिर्फ इमरजेंसी के लिए लगाया है, और ये जो सिस्टम है ये सिर्फ हम उन पाइपों में लगा के रखते हैं, जैसे कि हम नया मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, गैस का प्रेशर डाल के रखते हैं पाइप में, बाद में जब मशीन इंस्टॉल करते हैं उस टाइम सर्विस वाल्व को रिमूव करके अपना मशीन इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन फायर एंड यहाँ पे पूरा ही उल्टा हो गया है, यहाँ पे आउटडोर में ही सर्विस वाल्व लगा दिया है। क्या गजब का काम किया है फ्रेंड, आप लोग भी देख सकते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा है या नहीं है, वो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो सर्विस वाल्व को इन्होंने आउटडोर में ही लगा दिया है। तो फ्रेंड मेरे ख्याल से या अवेलेबल नहीं होगा या तो लगाने की इच्छा नहीं होगी, तो इसके लिए उन्होंने सर्विस वाल्व लगाया नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड क्या गजब तरीका लगाया है, कि जो हमारा पाइप को होल करके उसमें एक प्रेशर वाल्व लगा दिया है और सेक्शन में भी प्रेशर वाल्व लगा दिया, यानी दोनों में प्रेशर वाल्व लगा के अपना जो भी सिस्टम है चालू करके रेडी कर दिया है। तो फ्रेंड कभी भी अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ये सिस्टम आप नहीं करें, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, नहीं तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होएगा तो हमको गैस पूरा उड़ाना पड़ेगा और हमारा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा कुछ गैस लीकेज हो जाता है मशीन, या पम्प डाउन करना है, मशीन को निकाल के दूसरी जगह लगाना है, तो वाल्व का रहना, सर्विस वाल्व का रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बॉडी पे अगर कपड़े नहीं रहें तो आदमी की पहचान नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, बाय।